अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार आलू करेले की भुजिया। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 5 करेले ले लिए। करेले को मैंने अच्छी तरह छील कर काट लिया और काट कर अब मैं इसे अच्छी तरह धो रही है। इसमें इमली और नमक और हल्दी 1-1 चम्मच डाल करके मैं इसे डाल के 10 से 15 मिनट के लिए इसे छोड़ दी, इसे मिला दी थी ताकि ये अच्छी तरह नरम हो जाए। जब ये नरम हो गए तो अब मैं इसे अच्छी तरह मसल करके धोकर इससे ये देखिए इमली का पेस्ट और नमक और हल्दी से इसे नरम हो गया। अब ये सारी कड़वाहट इससे निकल गई। अब मैं इसे अच्छी तरह निचोड़ कर इसे प्लेट में रख दी। अब मैं इसे नल के पानी से अच्छी तरह धो रही हूँ ताकि इससे और भी अच्छी तरह कड़वाहट निकल जाए। अब मैं इसे अच्छी तरह 3 से 4 पानी से धो लूँगी। करेलों को आप सही से अच्छी तरह से धोना ताकि इसकी कड़वाहट अच्छी तरह निकल जाए। अब ये मैं सारे करेलों को अच्छी तरह धो ली और एक प्लेट में रख दी। 2 बड़े साइज के आलू को मैंने कट कर लिया और ये 4 प्याज है दरमियाने साइज के जिसे मैंने कट करके उसे भी रख लिया। अब करेलों का पानी भी अच्छी तरह ड्रेन होना, आपके करेले क्रिस्पी नहीं बनेंगे। अब मैं कढ़ाई चढ़ाई, कढ़ाई में 1 कप से ज़्यादा तेल ऐड कर दी। 1 कप तेल ऐड कर दी। जब ये गर्म हुए तो अब मैं सारे प्याज को ऐड कर दूँगी और इसके साथ साथ सब आलू और करेलों को भी मैं ऐड कर दूँगी इसमें। अब मैं करेले को प्याज के साथ और करेले भी ऐड कर दिया और इसके साथ ही साथ मैं सारे आलू को भी ऐड कर दूँगी। अब ये मैं तीनों सारी चीज़ों को डालकर इसे अच्छी तरह मिक्स करूँगी ताकि ये अच्छी तरह पक जाए। इसे ढकना नहीं है, इसे हर थोड़ी देर के बाद हर 2-3 मिनट में आप इसे चलाना है ताकि ये अंदर से चिपके नहीं और ना जले, तो ये अच्छी तरह क्रिस्पी बनेगी। तो अब मैं इसे हर थोड़ी देर में इसको चला रही और देख रही ताकि ये अंदर से चिपके नहीं, और जैसे जैसे ये मैं पकाऊंगी इसका रंग इसका चेंज होता चला जाएगा। और आप इसे दरमियानी आँच से थोड़ा तेज़ आँच में आप बनाएंगे तो ये आपके करेले की भुजे नरम नहीं बल्कि क्रिस्पी बनेगी अच्छी तरह। तो ये देखें मैं जैसे जैसे चला रही हूँ उसका रंग चेंज होता चला जा रहा है। इसे आप हर थोड़ी देर के बाद 2 से 3 मिनट में इसे चलाती रहें तो इसके अंदर से ये पक भी जाएगी और इसका रंग भी चेंज होता चला जाएगा। इसे बस उलट पलट करके चलाना है ताकि ये अच्छी तरह ब्राउनिश भी आ जाएगी। जैसे जैसे मैं ये इसे पका रही और चला रही हूँ इसका रंग भी चेंज होता जा रहा है और ये अच्छी तरह इसके कलर भी आ रहा है। देखिए ब्राउनिश भी जब ये आ जाएगी तो ये हमारे करेले और आलू की भुजिया तैयार हो जाएगी। तो आप भी मेरी तरह आलू करेले की भुजिया बनाएं और इंजॉय करें। इसी तरह आप इसे दाल चावल के साथ खाएं, आपको बहुत ही पसंद आएगी। ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कॉमेंट्स करके ज़रूर बताएँ आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।